दोस्तों देखिए, ये शेख जायद रोड पर हमारी बस दौड़ रही है और आप लोग जब लेफ्ट, हाँ ये देखिए द दुबई मॉल, ये जो बहुत बड़ा मॉल है ये आपको दिखाई दिया, ये इसके साथ ये देखिए दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची इमारत हाँ बुर्ज खलीफा आपको दिखाई दी। इसके 164 फ्लोर्स है और 828 मीटर इसकी हाइट है। और एक मॉल का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रहा है जिसका नाम है क्रिक मॉल, ने बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसका नाम है क्रिक टावर। इसकी हाइट 100 मीटर ज्यादा है। ये शेख जायद हाईवे है और ये सब स्टेट्स को यूएई के सब स्टेट से ज्यादा मतलब ज्वाइंट किया गया है। ये देखिए ये जो है ना, आप लोगों को अभी ये देखिए बुर्ज खलीफा दिखाई दिया, दिखाई दी, बहुत अच्छा है ना। ये इतना खूबसूरती से इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है, डेवलप किया है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्या बताऊं आप लोगों को। यहाँ पर दो तरह के मेट्रो लाइन चलती है, रेड लाइन और ग्रीन लाइन। इसमें से एक स्टेशन आपको देखते हैं, अभी कोई स्टेशन ऐसा लगता है मुझे, देखते हैं। यहाँ पर स्काई स्क्रेपर्स बहुत है, इसमें ये जो ऊंची ऊंची इमारतें इसमें रेसिडेंस भी है। ये जो एक स्टेशन दिखाई दिया आपको मेट्रो का हाँ, ये अभी ऐसे मैं बोला ना कि दो तरह के, दो रेड लाइन ग्रीन लाइन ये दिखाई देता है ना। ये देखिए एक मेट्रो भी आपको दौड़ने वाली दिखाई देगी, ये देखिए दिखाई दिया आप लोगों को, ये मेट्रो उस स्टेशन की तरफ जा रही है। इस ऊंची ऊंची इमारत में मैंने बताया ना आपको रेसिडेंस भी है। यहाँ पर सब जो है ना मैन मेड है, सिर्फ इनके पास जो है समुद्र और डेजर्ट, बस बाकी कुछ नहीं। फ्लाईओवर्स भी, ये ऊंची ऊंची इमारतें रनिंग बस से मैं जितना दिखा सकता हूँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको हर जगह फ्लाईओवर्स में तो हर एक जगह का तो क्या कर नहीं सका, लेकिन जितना कर रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा है। होटल, ये जो बुर्ज खलीफा अभी गया इसमें होटल्स है, रेसिडेंस है, ऑफिसेस है और ऑब्जर्वेशन डेक है जहाँ पर जाकर हम लोग रात के समय कैसा दिखाई देता है दुबई कैसा, ये दिखे। और एक मेट्रो लाइन, मेट्रो दिखाई दी आप लोगों को हाँ, ये देखिए ये जो फ्लाईओवर्स है ना कितना खूबसूरती से, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसे लगा जरूर आप बताइए कमेंट करके। ये बुर्ज खलीफा में हम लोग ऊपर तक मतलब 124 और 125th मंजिल तक जाकर दुबई का व्यू देख सकते। हम लोग रात को जाने वाले उधर, देखते अभी कैसा। ये जो होटल आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम बुर्ज अल अरब, अरब लोगों का होटल, 7-स्टार होटल है। ये देखिए समुन्द्र किनारा, ये देखिए समुन्द्र किनारा दिखाई दे रहा है। नाव समुन्द्र किनारे जा रहे, पानी में जाने का नहीं, ऐसा मैडम ने इंस्ट्रक्शन दिया है, तो पानी में तो नहीं जाऊंगा। ओके चलिए, अब मैं आपको समुन्द्र किनारा, समुन्द्र किनारे भी समुन्द्र में स्नान भी कर रहे हैं, हमें अलाउड नहीं है इधर क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय। वो देखिए समुन्द्र के यहाँ कुछ लोग स्नान कर रहे, पानी में जाके चरण भिगा कर आ रहे हैं। हम तो नहीं जाएंगे क्योंकि मैडम ने नहीं अलाउ किया। ये देखिए दिखाई नहीं देता, इतना क्या बोलते
सनलाइट की मोबाइल मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हाई ये टेम्परेचर है, ज़्यादा देर इधर मत रुको, ऐसा हो रहा है, कैमरा ही नहीं चल रहा है, अभी क्या क्या करने का बोलो, ऐसा सुंदर नज़दीक तो जा सकता हूँ, नज़दीक जाके आऊँगा। ये देखो ओरिजिनल फोटो खींच रहे हैं, ये देखिए अच्छा लगा समुद्र किनारा, ये देखिए और दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए समुद्र किनारा, समुद्र किनारे पर दुबई, यू लाइक इट, आई एम फ्रॉम मुंबई। ये मेरा नया दोस्त है चाइना, फ्रॉम चाइना। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। जुमेरा बीच से तो हम निकल गए, हम मतलब हम लोग जितने भी हम ले ग्रुप में। ये देखिए आगे आपको जो होटल दिखाई देगा इसका नाम है जुमेरा बीच होटल, जुमेरा बीच होटल दिखाई दिया आप लोगों को। आगे देखिए, आगे जैसे जाएंगे वहाँ आप लोगों को वाटर पार्क दिखाई देगा। ये जो वाटर पार्क है ना इसके पीछे ही बुर्ज अल अरब, ये जो मैंने अभी आपको बीच से दिखाई दे रहा था ना आप लोगों को सेवन स्टार होटल, वो बुर्ज अल अरब होटल। अभी ये देखिए ये जो होटल है ना यही, हाँ इस पर ये सफेद कलर का जो कपड़ा जो लगाया है ना वो एक स्पेशल कपड़ा है, क्योंकि ये बहुत ही इसमें मतलब कंस्ट्रक्शन में आर्किटेक्ट में यूज किया जाता है, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव है। आगे ऊपर देखिए, ऊपर आप लोगों को एक हेलीपैड दिखाई दे रहा है, इस हेलीपैड पे कुछ हिंदी फिल्मों के शूटिंग्स हुए हैं। अभी सब का तो नाम नहीं लूंगा लेकिन आप समझ जाइए, आपने फिल्म देखे ही होंगे। ये बहुत ही सेवन स्टार होटल है बुर्ज अल अरब। आप लोगों को बीच से भी मैंने दिखाया था, जुमेरा बीच से अभी फिर एक बार दिखाई दे रहा है। ऊपर एक टेनिस मैच भी खेली गई है ऐसा मैंने सुना। अब हम लोग ये जो होटल है बुर्ज अल अरब इसके सामने से निकलकर जाने वाले हैं। ये देखिए जैसे आगे, ये देखिए कितना खूबसूरत वाटरफॉल, आर्टिफिशियल है लेकिन कितना खूबसूरत है। कुछ गाड़ियां टैक्सी इधर खड़ी दिखाई दे रही है। अभी आगे तो हम जाएंगे ना, थोड़ा सा होटल भी दिखाई देगा और यहाँ पर जो अंदर जाने वाली जो गाड़ियां है वो तो स्पेशल गाड़ियां रहती है। ये ऐसे गाड़ियां मतलब अपनी गाड़ी से या नहीं जा सकते अंदर, हाँ सेवन स्टार होटल है और इसका जो रेंट है एक दिन का 8000 डिरहम मल्टीप्लाइड बाय 24 करके आप हिसाब लगा सकते हैं। ये ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे होटल्स यहाँ पर हैं। ये देखिए अब हम लोग जो आगे जा रहे हैं, ये जो रास्ता है यह ऐसा है। अभी हम लोग ये रास्ता, वो जो पेड़ है कितना अच्छा दिखाई देता है। इस वक्त हमारी बस जा रही है वो एक होटल के सामने से जा रही है और ये देखिए सोनेरी गोल्डन हॉर्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वो दूर दिखाई दे रहा है ना, वो एक होटल है और इसका नाम है होटल अल कासर। एक इस होटल का एक पिक्युलरिटी ये है कि वो होटल है ना वो सब रूम्स पानी में है। ये ऐसा हमारे गाइड मैडम ने, ज्योति मैडम ने अभी बताया। अभी देखिए होटल के सामने से बाहर आ गए, ये देखिए बाहर जाने का वो रास्ता खुल गया, मतलब वो जो था ना ऊपर हो गया। वो बाहर आने के बाद लेफ्ट साइड में देखिए अभी कितना खूबसूरत है, वो देखिए एक बस खड़ी है, व्हीकल्स खड़े है, क्लीन रोड्स है, वाइड रोड्स, बहुत अच्छा, जितना मैं दिखा सकता हूँ दिखाऊंगा। अभी मैं हम लोग जो जा रहे हैं मोनो रेल राइड में बैठ, मोनो रेल में बैठकर हम लोग पाम जुमेरा, ये जो है ना पाम जुमेरा
हम आइलैंड्स जो बनाए गए आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं वो सब देखने वाले है। और ये जो एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस एरिया का नाम ये पहला बात यह है कि यहाँ पर दुबई कॉलेज आपको दिखाई दिया ना, ये दुबई कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट वगैरह है, इसको बोलते हैं नॉलेज पार्क। ये जो एरिया है ना इसका नाम नॉलेज पार्क है, और यहाँ पे दुबई ट्राम्स भी दिखाई देते हमें तो नहीं, क्योंकि जिस वक्त हम जा रहे वो पार्क पाम वो क्या बोलते हैं उसको ट्राम तो नहीं दिखाई दी, लेकिन ये जो एरिया जिससे हम अभी हम जा रहे हैं ये दिखाई दिया आप लोगों को। ये देखिए, अब हम लोग कुछ मिनटों में हम लोग पाम जुमेरा वो जो है वहाँ तक जाए, पाम जुमेरा आइलैंड्स देखने के लिए जा रहे हैं। और ट्रेन में वो जो ट्रेन मतलब मोनो रेल जो है इसमें पानी पीना कुछ खाना अलाउड नहीं है, इसलिए गाइड मैडम ने हमें बताया कि जो भी खाना है अभी इसी वक्त खा लीजिए, पानी पी लीजिए। एक बार ट्राम में प्रवेश किया तो कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। मुझे तो सिंगापुर की याद आ गई, चलो कोई बात नहीं। गेटवे स्टेशन तक हम लोग अभी जा रहे हैं। ये जो गेटवे स्टेशन है ये मोनो रेलवे का स्टेशन है। यहाँ से हम लोग आगे वो जो लास्ट जो स्टेशन है वहाँ तक जाते समय ये सब पाम जो है ना पाम आइलैंड्स देखने वाले हैं। कुछ और भी मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग ऊंची ऊंची इमारतें भी दिखाई देगी। ये जो है ना निखिल डेवलपर्स ने ये पाम्स डेवलप किए हैं, बनाए हैं। हाँ अभी निखिल ऐसा नाम है, मैंने तो निखिल कर दिया, चलो कोई बात नहीं। निखिल डेवलपर्स वो नाम दिखाई दे आप लोगों को। ये देखिए गेटवे मोनोरेल स्टेशन तो आ गया, गेटवे स्टेशन आ गया। ये देखिए आगे भी आपको दिखाई देगा, ये देखिए पाम ठीक है।